नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं कि कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द इंटर रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड केमिकल इफेक्ट। लार्ज पार्ट्स ऑफ दिस फिगर्स डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल चेंज कॉज्ड बाय द पासिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द प्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय केमिकल रिएक्शन। द स्टडी of the interconversion of chemical energy and electric energy, the study of redox reaction, etc. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर यानी चालक। चालक क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दे उसे हम कहते हैं कंडक्टर। ए मटेरियल दैट अलाउ हीट और एनर्जी टू पास थ्रू। कंडक्टर का यूनिट होती है ओम। कितने टाइप के कंडक्टर्स होते हैं? तो टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। पहला होता है मेटेलिक कंडक्टर, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है मेटल है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके द्वारा फ्लो होगी? चार्ज कैरी आर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में चार्ज कैरिज आयंस, कैटायन और एनायंस के द्वारा करंट का फ्लो होगा। सेकंड जो इनमें डिफरेंस है, क्योंकि मेटल है तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होगा मेटेलिक कंडक्टर में, और इलेक्ट्रोलाइटिक में डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक टेकन प्लेस, इसमें डिकम्पोजिशन हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें NaCl का सॉल्यूशन है, करंट पास की, डिकम्पोजिशन हो गया Na प्लस Cl माइनस में। थर्ड है नो ट्रांसफर ऑफ मास। मेटेलिक कंडक्टर में मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता और इलेक्ट्रोलाइटिक में मास का ट्रांसफर होता है। अब मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। आखिरी डिफरेंस है लो रेजिस्टेंस जनरली गुड कंडक्टर, और इलेक्ट्रोलाइटिक में हाई रेजिस्टेंस जनरली। रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं प्रतिरोध की। द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, या द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच पास द फ्लो ऑफ करंट कहते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट देख लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। कंडक्टेंस या चालकता। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इसे सी से शो करते हैं कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है उसे हम कहते हैं चालकता। और क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स या मो। अगर SI में जो इसकी यूनिट पूछे तो इसकी यूनिट होती है सीमेंस।
नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसे हम शो करते हैं रो से। डेफिनेशन देख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए द कंडक्टर। यहाँ द रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट आता है, तो ये है रो। तो अगर हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो निकालना है तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर इनटू ए अपॉन एल। इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, आर की यूनिट होती है हमारे पास रो हो गया, रो इज इक्वल टू आर। इसकी ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों जैसे हमने बात की थी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। तो इसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसे हम शो करते हैं कप्पा, कप्पा हो जाएगा वन अपॉन रो। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सेल, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा। और कप्पा की यूनिट हो जाएगी हमारे पास, वहाँ थी ओम इंटू सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगी ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ हम अगर इसकी एसआई में यूनिट देखें तो सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टर, जिसे हम शो करते हैं लैम्डा से। डेफिनेशन देख लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर of all the ions produced by 1 gram of an electrolytic in the given solutions, lambda is equal to हो जाएगा kappa into V, जहाँ kappa क्या है specific conductance of the solution, V क्या है volume in cc connecting 1 gram equivalent of the electrolyte, या हम इसे कह सकते हैं lambda कैपिटल एन हो जाएगा नॉर्मेलिटी, देन लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को शो करते हैं म्यू से। डेफिनेशन इज द डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by 1 mole of an electrolytic in the given solutions, mu is equal to हो जाएगा kappa into V, kappa आप सब जानते हैं specific conductance of the solution, V क्या है volume in cc connecting 1 mole of the electrolytic, if m is the molarity of the solution then mu is equal to हो जाएगा kappa into 1000 upon mole। SI में जो इसकी यूनिट हो जाएगी सीमेन मीटर into मीटर स्क्वायर पर मोल।
अच्छा, आज हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के में छोटी छोटी डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन में तीन चीज़ हमको मेनली याद करनी है कि किससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसकी क्या यूनिट होती है। आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में ये डेफिनेशन होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच।